अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय बनी भारतीय शिक्षा नीति 2020 कई उम्मीदें जता रही है। हालांकि कई ऐसे लक्ष्य भी हैं जिनके प्राप्ति की डगर कठिन नजर आ रही है, लिहाजा नई शिक्षा नीति में उम्मीद के साथ साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ अहम सवालों के जवाब के लिए नागरिक न्यूज ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं उनसे बातचीत के कुछ मुख्य अंश। मुझे लगता है इससे एक देश में शिक्षा का संपूर्ण संस्कृति में आमूल बदलाव आएगा और इसके साथ ही हमारा जो आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52nd रैंक पे आते हैं। अब जैसे नेशनल जो रिसर्च फंड जो हमने स्थापित किया है और कुछ रिसर्च में फोकस्ड यूनिवर्सिटी जो इस शिक्षा नीति में प्लान्ड है, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्वालिटी ऑफ रिसर्च और इनोवेटिवनेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। आज जैसे चाइना में हर साल 13.5 लाख पेटेंट रजिस्टर होते हैं, हम केवल 45-50 हज़ार पेटेंट रजिस्टर करते हैं, इसलिए हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में चाइना हमसे 30 गुने ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारा एक क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस में सुधार आएगा। दूसरा, जो हमारे इतिहास संस्कृति हमारे सारे उसको जो हेरिटेज को जोड़ने की बात की है, तो अभी तक हमारी शिक्षा एक प्रकार से कह सकते हैं जो नेशनल इथोस से लगभग डिसजंक्ट थी उससे वो इंटीग्रेट होगी। और एक हम ये भी अनुभव करते थे कि आवर एजुकेशन इज़ नॉट सक्सीडिंग इन इंग्रेनिंग द इथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें नैतिक शिक्षा और मूल्यों के ऊपर जो बल दिया है उससे मतलब यह है कि एक प्रकार से शिक्षा में एक तरफ गुणवत्ता और नवोन्मेष में सुधार आएगा, शिक्षा हमारे राष्ट्रीय आचार विचार से अधिक संलग्न हो सकेगी और साथ ही जो हमारे यहाँ से उत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं उन छात्रों के कंडक्ट और बिहेवियर में भी इथिक्स और वैल्यूज बेटर इनग्रेन होंगे। आज भी केंद्र सरकार का 10% है, सेंट्रल और स्टेट्स का मिला के 17.5% है। हमको डिफेंस पे भी खर्च करना है, हमको हेल्थ पे भी करना है, तो वो एक समस्या ही हमेशा से रही है। 6% का हमारा टारगेट पिछले 20 साल से हम कहते आए हैं कि शिक्षा पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च होना चाहिए, ये एक हम बार बार कहते थे। केंद्र और राज्यों को मिलकर, क्योंकि सेंटर का तो लगभग 1.7% एक्सपेंडिचर है और बाकी का जो है वो स्टेट्स का है, तो अब इसमें 4.3% में, तो अब दोनों को ही अपना मतलब एक तरह से आउटले शिक्षा पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम 6% वाला लक्ष्य ले सकेंगे। अभी हाल में हम देख रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के कारण हमारा GST की रेवेन्यू भी प्रभावित होगी। अब या तो सरकार को मोनेटाइजेशन रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं मुद्रा के प्रसार को बढ़ाना पड़ेगा, या थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि जब हम थोड़ा सा अपना टैक्स GDP रेशो ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमको अपने डिफेंस पे भी 2.5-3% खर्च करना पड़ेगा GDP का, हेल्थ केयर पे भी 4.5-5% हमको व्यय करना पड़ेगा, दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे भी, तो इस सब के लिए एक ये एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जिस द्रुत गति से हम बढ़ेंगे उतना ही हम शिक्षा में बेहतर परिवर्तन ला सकेंगे। मुझे लगता है शिक्षा का निजीकरण तो करीब पिछले 20 वर्षों में हुआ है। आज हम देखते हैं देश के लगभग आधे से ज़्यादा स्कूली विद्यार्थी करीब 60% सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं जिनको न सरकार की ग्रांट है न कुछ है। और हायर एजुकेशन में भी अगर हम कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो लगभग आधे के करीब बच्चे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो यह जो कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन का हमने पिछले 20-30 साल में लागू किया उसके कारण निजी संस्थाएँ तो आई हैं। अब उनमें क्या है कि निजी संस्थाओं में एक समस्या अगर आती है कभी शुल्क का नियमन, तो वो इस नीति में ये कहा है कि सीलिंग ऑफ द फी शैल बी डिटरमाइंड। तो इसके कारण चाहे वो सरकारी संस्थान होगा चाहे निजी संस्थान होगा, यदि फी रेगुलेशन और फी की सीलिंग होगी कि इससे अधिक नहीं ली जा सकती, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम देखते हैं निजी संस्थान भी आज बहुत अच्छी आज बिट्स पिलानी है,
या आज जो हम अच्छे निजी संस्थान चाहे निरमा यूनिवर्सिटी है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें इट इज़ नॉट सेक्टर स्पेसिफिक, मूल बात यह है कि आउटकम स्पेसिफिक होना चाहिए। उस शिक्षा से बाहर निकलने वाले छात्र हमारे, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, और एक प्रकार से हम उस वहाँ गुणवत्ता और नवोन्मेष का वातावरण कैसा है, इसके ऊपर बल देने की आवश्यकता है। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ कुल मिला के केंद्र सरकार का अगर टैक्स जीडीपी रेशियो 10% है और स्टेट्स और सेंटर का मिला के 17% है, तो एकदम सारी हम मतलब पब्लिक फंडेड एजुकेशन तो करेंगे तो कम से कम शिक्षा पर हमको अपने जीडीपी का 10-12% खर्च करना पड़ेगा, जितना मतलब जो है संभव नहीं है। इसलिए हमको एक प्रकार से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बिना हम जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने का लक्ष्य लिए हुए हैं, किसी ज़माने में हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 10% था, तो 10 से यह जो आया है आज 26% आए हैं हम, जो हायर एजुकेशन की एज में बच्चे हैं उनमें 26% हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर ये शायद निजी संस्थान नहीं आए होते तो किसी भी स्थिति में पब्लिक फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोलमेंट उतना बढ़ाया जाना संभव नहीं था। और देश में जो व्यक्ति अगर मान लो अपना सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन में अगर अफोर्ड कर सकता है, और इस प्रकार से अगर दोनों तरह के संस्थान हैं, तो हमारा मूल लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में भारत जो विश्व का सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, विश्व के 20% युवा हमारे पास है। आज आप देखिए, हमारे आज स्कूल में करीब 35 करोड़ विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं, जो पूरे अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में करीब 3.5 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं, जो पूरी कनाडा की जनसंख्या के बराबर है। तो हमें कहीं ना कहीं ये विचार करना होगा कि हमें सब प्रकार से सारे संसाधन, चाहे वो निजी क्षेत्र के पास हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के पास हो, उन संसाधनों का उपयोग करके और अपने मतलब युवाओं का विकास करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। देखिए, समान रेजिमेंटेशन कभी सोचना नहीं चाहिए। इतने 135 करोड़ के देश में हम यूरोप की जनसंख्या के लगभग 2 गुने के बराबर, यूरोप की जनसंख्या 70 करोड़ है, हमारी 135 करोड़ जनसंख्या है, तो निश्चित रूप से हम कह दें कि सबको एक यार्ड स्टिक पे पढ़ाया जाएगा, नहीं होगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, जब हमने पहली बार नीट लागू किया था मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो पहले साल में नागालैंड का एक भी बच्चा उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो यानी कि हम एक प्रकार के स्टैंडर्ड सब जगह नहीं लागू कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, लोचशीलता देनी होगी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हमको कहीं ना कहीं सब प्रकार के छात्रों को जोड़ना होगा। और इस में जो छात्रों के ऊपर बोझ हुआ करता था केवल 2 बोर्ड की परीक्षा होगी, उसकी बजाय उस अवधि में 8 सेमेस्टर होंगे, तो क्या होगा, बच्चा एक सेमेस्टर में जो पढ़ा उसके बाद में दूसरे की परीक्षा होगी, तो मुझे लगता है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी और उसका एक सर्वांगीण विकास हो सकेगा। देखिए, मूल जो मैंने कहा ना कि 8 सेमेस्टर होंगे, तो एक तो बच्चे का केवल 10वीं और 12वीं 2 ही बोर्ड में परीक्षा में उसका पूरा फोकस रहता था, तो वो उसका एक टॉर्चुअस उत्पीड़न सा हो जाता था कि वो उस परीक्षा के दिनों में उन जैसे सब जैसे तैसे पढ़ के और इस पार या उस पार वाली बात हो जाती थी। अब इसका चूंकि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा, तो एक तो यह जो सतत मूल्यांकन से बच्चे के ऊपर उतना बोझ नहीं होगा, उसकी सारी वो होगी। अब हमने ग्रेजुएशन के साथ जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना उनके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी, तो मुझे लगता है कि हम यूरोप वगैरह में जैसा सिस्टम था कि वहाँ 1 ईयर पीजी है, जैसे यहाँ से कोई बीटेक करके जाता था वहाँ 1 साल का ब्रिज कोर्स करके और फिर वो एमएस करता था, अब यहाँ आके वो इनवैलिड हो जाती थी 1 साल का एमएस, हमारे यहाँ 1 साल की मास्टर्स डिग्री अलाउड नहीं थी। अब हमारा भी ये हो जाएगा, ग्रेजुएशन के स्तर पर वो 4 वर्ष पूरे कर लेगा, 15 वर्ष वहाँ हो जाएंगे, तो उसके बाद वो 1 साल वाला, तो मुझे लगता है कि वी वुड बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आल्सो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मॉड्यूलर बना दिया, कि मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर बीएससी में एडमिशन लिया, अब उसको आर्ट्स पढ़नी है या उसको कोई दूसरा विषय पढ़ना है, उसको इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसको वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मान लो किसी कारण से उसने 2 वर्ष करने के बाद उसका कोई जॉब लग गया, कोई परिवार में आर्थिक संकट आ गया, किसी कारण से उसने पढ़ाई को अगर डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और वो पूरी अवधि करेगा तो ग्रेजुएशन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें छात्र को एक तो ये लाभ मिलेगा, दूसरा आज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का जमाना है। उदाहरण के लिए
एक लकवे का पेशेंट है, बोल नहीं सकता। तो रिसर्च इस पे हो रही है कि ऐसे सेंसर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को का जो इम्पल्स है उनको रिकॉर्ड करेंगे। तब एक तरफ तो न्यूरो फिजिशियन का रोल हो गया, दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या दूसरे जो इंजीनियरिंग के लोग जो सेंसर्स डेवलप करने में लगे हुए हैं उनके वो सेंसर डेवलप किया। अब वो सेंसर्स ने जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा वो बिग डेटा एनालिसिस के लिए, जब बिग डेटा एनालिसिस उसको मतलब जो है ऑडिबल वॉइस में कन्वर्ट करते, जो ब्रेन टू ऑडिबल स्पीच, ये जो रिसर्च हो रही है इसमें न्यूरोलॉजी से लेके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से लेके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से लेके और सारा मतलब जो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको देखते हुए कब वो उसको पानी पीना है लकवे के पेशेंट को, तो वो जो उसके इम्पल्सेज होंगे ब्रेन के पानी पीने का जो उसका थॉट आएगा उसको वो सेंसर्स रिकॉर्ड करेंगे, सेंसर्स उसको डेटा उसको वॉइस में कन्वर्ट करके उसको पानी पीना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई एक स्ट्रीम में पढ़ाई की और उसके बाद में उसने दूसरी स्ट्रीम में जाके वो उसको अध्ययन करना चाहता है, कि जिसने न्यूरोलॉजी में अगर पढ़ लिया और उसके बाद वो आयुर्वेद में जाना चाहता है, या वो 2 साल आयुर्वेद पढ़ के और फिर वो मेडिकल साइंस में आके और फिर वो न्यूरोलॉजी पढ़ रहा है, मतलब उसके दिमाग में कुछ भी इस तरह का है, या संस्कृत का भी वह मान लो उसको लगता है, जैसे इसमें संस्कृत और इंजीनियरिंग भी पढ़ी जा सकती है। मैं आपको बताऊं हमारा प्राचीन वांग्मय जो है संस्कृत में, उसमें लगभग आज के सारे आधुनिक ज्ञान विज्ञान क्वांटम मैकेनिक्स से लेके और वर्किंग ऑफ द हार्ट से लेके सब कुछ आती है। उदाहरण के लिए आज हम किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है तो पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर कुछ नहीं है, सिल्वर आयन बैटरी है, जैसे हमारे मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है, और उससे एक इलेक्ट्रोड निकाल के और हार्ट के एंटीरियर पोर्शन में पेरिकार्डियम में इंसर्ट कर देते हैं और उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं उस सिल्वर आयन बैटरी से कि वह उसकी हार्ट बीट जो 40 आ गई है 70 पे आ जाती है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, अग्निगुंग हृदय नाशिनी गुंग हृदय अग्रण पशुपति कृष्ण, जिसका अर्थ है हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करो। यानी कि हमने 5000 से भी ज्यादा वर्ष पहले वहां पर हृदय के अग्रभाग में जो विद्युत स्पंदनों की बात की है वह आज सटीक सिद्ध हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज चाहे कोई इंजीनियरिंग पढ़े, चाहे मेडिसिन पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, वो उसके साथ अगर हमारे संस्कृत से लेके म्यूजिक से लेके इस तरह के विषयों को जो एक हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है उससे मुझे लगता है बहुत सारा हमारे प्राचीन हेरिटेज को हम स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि ये पूरे ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में 400 से 500 अरब तारे हैं और वैसी 20 खरब आकाशगंगाएं हैं। और मॉडर्न वो जो कॉस्मोलॉजी कहती है कि सारा जो दृश्य जगत है ये 1/4 उसमें है, 3/4 डार्क एनर्जी है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, पुरुष सूक्त में भी आता है, त्रिपादूर्ध उदेत पुरुख, पूरे 2 श्लोक हैं। तो उसमें कहा है कि एक पाद उस ब्रह्म के एक पाद में ये संपूर्ण दृश्य जगत है और उसके 3 पाद यानी 3/4 इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। यानी कि वो जो डार्क एनर्जी का आज हम बात कर रहे हैं उस डार्क एनर्जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस करेंगे तो हम एक नई विंडो हमारे एंशियंट उसमें हेरिटेज में हम खोलने की स्थिति में आ पाएंगे। पॉलिसीज आर गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब हमको पॉलिसी से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, नीतियां निर्णयन के लिए मार्गदर्शिकाएं हैं। तो एक प्रकार से हम आगे कैसे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या निर्णय हमको लेने चाहिए, उसके लिए हम कौन सी प्रिमाइसेस को ध्यान में रखें, कौन सी उसको रखें। मतलब आप ये मत मानिए कि ये नीति में ही सब कुछ, ऑपरेटिंग पार्ट इसका अलग है। ऑपरेटिंग पार्ट पे हमारे नियामक अधिकरण होंगे, मान लो चारों हमने ऐसी विभिन्न जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बजाय हमने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की है और उसमें हमने रेगुलेशन और फंडिंग को अलग अलग कर दिया। हमने एक तरफ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अलग कही है, वहीं हमने हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल अलग कही है। तो मुझे लगता है कि अब ये हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल को चिंता करनी होगी, ग्रांट्स का डिसबर्समेंट कैसे हो क्या नहीं हो, तो ये फिर हमको उन नियामक अधिकृतियों के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़नी होगी। नीति का काम यह है कि वह आगे बढ़ने के लिए दिशा तय करें। कई बार ये चर्चाओं में भी मैं देख रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि जैसे सब कुछ नीति में, नीतियाँ मतलब चूंकि मैं मैनेजमेंट पढ़ाता रहा हूँ तो वहाँ मैं नीति की परिभाषा देते हैं तो हर एक क्या है
इसमें व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स, टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपकी प्रमाइसेज है क्या सीमा में, फिर आपकी पॉलिसीज हैं, फिर प्रैक्टिसेज हैं, फिर प्रोसीजर्स हैं, फिर आपके प्लान्स हैं, फिर शेड्यूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पूरा लेआउट करना पड़ेगा। कोई आमूल परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ा सा उसको एडप्ट करने में, अनुकूलन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चूंकि सरकार ने घोषित किया है कि वह इस आगामी सत्र से ही जो थोड़ा कोरोना लॉकडाउन के कारण विलंबित हुआ है तो इन सारी नीतियों को आगामी सत्र से क्रियान्वयन होगा, लेकिन यह क्रियान्वयन चरणबद्ध होगा, सारी बातें एक साथ नहीं हो जाएगी। मान लो हम नेशनल रिन्यूअल फंड है, तब नेशनल रिन्यूअल फंड से अनुसंधान को हम अगर आगे बढ़ावा देंगे तो कहीं भी आपको अगर 20वीं मंजिल पर जाना है तो पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो यह है कि हम सही दिशा में ठीक गति से अग्रसर होने का हमारा लक्ष्य है, और इसमें पूरा हमारा इतना शिक्षण तंत्र है, देश में 1000 के करीब विश्वविद्यालय हैं, देश में करीब 15 लाख विद्यालय हैं, तो और इतने सारे शिक्षक हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों की भागीदारी होगी। मतलब मैं चूंकि संगठन में व्यवहार का व्यक्ति हूँ, मैं कहता हूँ हाउ टू ब्रिंग ऑल द ब्रेन्स टुगेदर टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, यानी कि इस देश की शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए हम किस प्रकार से देश के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक और उसके साथ ही साथ सारे नियामक अधिकृतियाँ, इन सबको कहीं ना कहीं हमें एक चिंतन पर लाना होगा। हो सकता है शुरू में कहीं थोड़ा सा परसेप्शन में डिफरेंस आ जाए तो उसमें कोऑर्डिनेट करने में भी समय लगेगा, तो निश्चित रूप से इतने बड़े देश में हम ये मानकर चलते हैं कि सही दिशा में ठीक कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हाउ टू ब्रिंग ऑल द ब्रेन्स टुगेदर टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें ये होगा कि इस शिक्षा नीति के बारे में सबका अभिमुखीकरण और सबका उसमें विश्वास उत्पन्न हो। अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 4 स्टेप में सारा किया है, तो अब इसमें समय लगेगा, एकदम नहीं, लेकिन हाँ आने वाले 10 वर्षों में जिन लोगों का चयन होगा उनमें वह शिक्षा या शिक्षण या अध्यापन के प्रति बेहतर संलग्नता होगी, लेकिन एकदम हम कोई उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे पेडागोजीज में ट्रांसफॉर्मेशनल पेडागोजीज होती हैं कि उसमें एक प्रकार से छात्र में रूपांतर लाना, तब रूपांतर लाने के लिए पहले हम शिक्षकों को उन पेडागोजीज में मतलब जो है दक्ष बनाएंगे, फिर वे उन पेडागोजीज का, उन शिक्षण विधियों का उपयोग करके और फिर छात्रों के ऊपर, तो निश्चित रूप से हमें धीरज तो रखना होगा। पिछली शिक्षा नीति 34 वर्ष पहले आई थी, हमने लगभग 34 वर्ष तक उसको लागू किया, और उसके बाद में आप देखिए 2015 से आज 2020, 5 वर्ष में हमने विचारोत्तेजन पूर्वक और ये सारा किया है, तो अब निश्चित रूप में मानकर चलिए कि इसमें, लेकिन हमारे कदम अब कुछ बेहतर और सही दिशा में प्रारंभ हो जाएंगे। और एक बात और कह दूँ, कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो उसका बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। देश और समाज की परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां हर दिन बदलती है, हर 6 महीने में बदलती है, हर साल बदलती है, और इसलिए कोई एकदम शिक्षा का हम ब्लूप्रिंट देखें कि 20 साल तक उसी ब्लूप्रिंट पर नहीं, ये इवोल्व होगी, और इसलिए एक प्रकार से सारे स्टेक होल्डर्स की भागीदारी से और इस शिक्षा नीति का भी और आगे से आगे मतलब इवोल्व होगी। और एक बार जो हमारी, जैसा मैंने कहा कि गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग है, तो हमारे निर्णय तो आने वाले समय में अनफोल्ड होते जाएंगे धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुरूप। उम्मीद है शिक्षाविदों से सवाल की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर भेजें और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहें नागरिक न्यूज़। नमस्कार।